तो गाइस, हमेशा की तरह मैं ऐसे से वीडियो लाती हूँ जो आपने पूरे यूट्यूब में कहीं देखा नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंजू प्रताप। मैं आपको मेहंदी लगाने का सबसे आसान तरीका सिखाती हूँ जो आपको पूरे यूट्यूब में किसी ने सिखाया नहीं होगा। राखी तो पास आ गया है, रक्षाबंधन तो बहुत पास आ गया है दोस्तों। आपके पास टाइम भी नहीं होगा मेहंदी सीखने का, इससे आसान आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मैं सबसे आसान तरीका सिखा रही हूँ जो मेहंदी बनाने का, जो आपने पूरे यूट्यूब में सिखाया नहीं होगा, किसी ने भी सिखाया नहीं होगा। इतना आसान आपने पूरा लीजिए दोस्तों। तो गाइज, अब तैयार हो जाइए। अब मेहंदी बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचा है, इसलिए आसान आपको दिखने को नहीं मिलेगा। चलिए पहले हम फ्रंट हैंड में मेहंदी बनाना सीखेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम दो लाइन खींचेंगे, फिर उसको हम एक कलाई टाइप, तो दूसरा लाइन होगा उसमें हम डी बनाएंगे। पहले देखिए हम कैसे डी बनाएं, फिर उसको उसके आगे ही हमने उसे उससे छोटा उसको हमने गोला कर लिया है। एक आधा गोला करना है दोस्तों, ऐसे ही आपको करना है दोस्तों। ऐसे ही करते रहिए, उसको मोटा कर लीजिए दोस्तों, ये करना ज़रूरी होता है, मोटा कर लीजिए। अब हमने जो दो लाइन खींचा था उसमें हम बॉक्स बना लेंगे। पहला तीन लाइन खींचेंगे, फिर उसके अपोजिट हम तीन लाइन खींचेंगे। पतली पतली लाइन खींचना है, ज़्यादा मोटा नहीं। तो उसके बीच में जो कोना बचेगा, जो चार लाइन को मिला रहा है, जो बीच का जो कोना है, उसको हम गोल टिक्की बना करके एक ऐसे खींच लेंगे दोस्तों। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, आप देख रही हो रहे होंगे, और इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। देखिए हमने स्टार का आकार ले लिया है, ऐसे ही आपको पूरे हर एक कोने में ऐसे आपको करना है। अब देखिए मेहंदी की कोन की मदद से आपको ऐसा करना है, पूरे हर एक कोने में एक स्टार बन जाएगा, जैसे रात का एक स्टार होता है दोस्तों, वैसे बनाना है आपको। देखिए अब हम उस स्टार के बीच में हमने गोल टिक्की रख लिया। अब हमने जो गोला बनाया था दोस्तों, आधा गोला, उसके बीच में हम फूल बनाएंगे दोस्तों। देखिए फूल बनाने जा रहे हैं हम, एक गोला कर लिए हैं, दो गोला। जब भी हम फूल बनाते हैं दोस्तों, उसमें पतली पतली लाइन खींचना ज़रूरी होता है, इसलिए आधा गोला पतली पतली लाइन बनाएंगे हम, छोटा छोटा कर लिए हैं। अब उसके अंदर ही हमने फूल बना लिया। ऐसा ऐसा करने से एक फूल बन जाता है, बहुत आसान है दोस्तों। आपको ज़्यादा इसमें आपकी मेहंदी कहीं ख़राब नहीं होगी, बाहर नहीं जाएगा आपका फूल। देखिए अब हम फूल बना के उसके किनारे किनारे मोटा कर लिए हैं। अब कितना गहरा फूल बन चुका है, कितना गहरा, कितना अच्छा। देखिए उसके ऊपर हमने गोल टिक्की भी रख लिया है। ऐसे ही आपको हर एक मेहंदी बनाना है दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। देखिए अब हम उंगली में वही जो हमने कलाई के बनाया था डिज़ाइन, अब वही डिज़ाइन इसमें बनाएंगे, वैसे ही सेम टू सेम। आपको इसमें हमने कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया है, कुछ बदलाव नहीं किया है, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हमने वही डिज़ाइन को उंगली में ही उठा के रख लिया, कि आप परेशान ना हो कि इसमें कुछ अलग डिज़ाइन है और बाहर उंगली के साइड में कुछ अलग डिज़ाइन है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। इसलिए आप इस डिज़ाइन को पूरा इस रक्षाबंधन में स्पेशली आप इस डिज़ाइन को बनाइए दोस्तों। अब हमारा मेहंदी डिज़ाइन कंप्लीट होने वाला है दोस्तों। अब देखिए हमारा कंप्लीट हो चुका है, गोल टिक्की भी कंप्लीट हो गया है, छोटा छोटा गोल टिक्की रखना है दोस्तों। अब देखिए बन चुका है, बहुत सुंदर। धन्यवाद।